सो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर ₹8,000। सो अगर आपका बजट 7,000 से 8,000 का है और इस प्राइस रेंज में अपने लिए एक बेस्ट फोन परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे 7,000 से 8,000 के प्राइस रेंज में काफी सारे स्मार्टफोन अवेलेबल है, बट हमने केवल 5 ही स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है क्योंकि इन्हीं 5 स्मार्टफोन में प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बड़ी सी 6000 मिली एम्पीयर तक की बैटरी देखने को मिलेगी और गाइस बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जिससे आप वीडियोस वगैरह अच्छे से देख पाएंगे और उसी के साथ ट्रिपल रियर कैमरा भी देखने को मिल जाता है, वो भी 7,000 से 8,000 के प्राइस पॉइंट पे। और इतना ही नहीं गाइस, अगर आप गेमर है और 7,000 से 8,000 के प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा सा गेमिंग फोन लेना चाहते हैं तो हमने कुछ गेमिंग फोन भी रखा है। बाकी इन सभी स्मार्टफोन में काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिल जाएगा, डिजाइन वगैरह। सो गाइस, इन सभी स्मार्टफोन में फीचर्स काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे जो कि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं और इसी के साथ इन सभी स्मार्टफोन के प्रोस एंड कॉन्स भी बताऊंगा, रीजन बताऊंगा कि क्यों आपको लेना चाहिए या फिर क्यों नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए अगर आपका बजट 8,000 के आसपास है तो। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो कि वीडियोस तो लगातार देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज ऐसा मत क्या करो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करो ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। खैर, बढ़ते वीडियो की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में बताए गए सभी स्मार्टफोन का बेस्ट बाय लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कर लेना। सो शुरू करते हैं दोस्तों नंबर 1 से, और नंबर 1 पर हमने रखा है इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 को। अब ये फोन कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इस फोन में 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिल जाती है और उसी को चार्ज करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स 10 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है, तो बैटरी बैकअप काफी लंबी देखने को मिल जाती है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का दिया गया है, सेकंड कैमरा लो लाइट सेंसर है और वहीं पर फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, तो प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा अच्छा देखने को मिल जाएगा। रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक G25 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक एंट्री लेवल गेमिंग प्रोसेसर है, तो अगर आप हल्का फुल्का थोड़ा बहुत गेमिंग खेलते हैं तो कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले काफी बड़ी देखने को मिल जाएगी, 6.82 इंचेस का HD+ डिस्प्ले दिया गया है जिसकी पीक ब्राइटनेस की बात करें तो 440 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, नॉर्मल 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो ओवरऑल डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है तो 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे, 4G नेटवर्क के साथ आता है ऑफ कोर्स। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इन्फिनिक्स का ही XOX7 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 और ये फोन एंड्रॉइड गो एडिशन पर चलता है। इट मींस इस फोन का UI काफी लाइट देखने को मिलेगा, फ्रेम ड्रॉप्स या फिर लैग्स वगैरह कम होगा ये फोन। और बायोमेट्रिक की बात करें तो इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, तो काफी अमेजिंग बात हो जाती है। इसी के साथ फेस अनलॉक का फीचर तो देखने को मिल ही जाएगा। बाकी लुक्स और डिजाइन की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ आता है, लेकिन डिजाइन और लुक्स काफी इंटरेस्टिंग है, देख सकते हो काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं कि प्राइस कितनी है, तो 2GB रैम और 32GB स्टोरेज के लिए 7,199 रुपए पे करने होंगे, अराउंड 7,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। हालांकि 3GB रैम रहता तो काफी अच्छा रहता, तो अगर आपको एक बड़ी सी डिस्प्ले चाहिए या फिर 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी चाहिए तो ये फोन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, हालांकि रैम और स्टोरेज कम देखने को मिलता है तो प्राइस भी तो कम ही है, 7,000 के आसपास देखने को मिल जाता है, तो चेकआउट कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और गाइस, नंबर 2 पर हमने रखा है पोको C3 को। अब इस स्मार्टफोन में हमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, बाकी के फीचर भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इस फोन में भी पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी लेकिन डिजाइन वगैरह काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। बैक साइड में क्लीन लुक दिया गया है क्योंकि इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा, हालांकि फेस अनलॉक का फीचर दिया गया है, तो डिजाइन वगैरह काफी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है तो 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का दिया गया है और 2 और सेंसर देखने को मिल जाएंगे 2 मेगापिक्सल के जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, रियर कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, इट मींस फुल HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे।
सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 10 के साथ आता है बेस्ड ऑन MIUI 12। इसी के साथ ये फोन भी ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। डिस्प्ले की बात करें तो 6.53 इंचेस का HD+ IPS पैनल के साथ आता है, जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो डिस्प्ले ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। MediaTek G35 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, तो गेमिंग वगैरह करते हैं तो ये फोन आपको काफी अच्छा गेमिंग करा देगा प्राइस के अकॉर्डिंग। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, और उसी को चार्ज करने के लिए 10 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स। माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलेगा, टाइप सी के साथ नहीं आता है, तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी प्राइस की बात करें तो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के लिए 7,999 रुपए पे करने होंगे, अराउंड 8,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। इसी में आपको दूसरा वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस है 9,000। तो 9,000 वाला वेरिएंट बिल्कुल भी मत परचेज करना। इसके अलावा बाकी के फोन भी है जो कि इससे अच्छे है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, तो उसके लिए जरा वेट कीजिए। और गाइस, नंबर 3 पर हमने रखा है वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 8,000। तो इस स्मार्टफोन का नाम है माइक्रोमैक्स IN2B। अब ये फोन भी कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है और काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं लुक्स और डिजाइन से। तो इस फोन का डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, हालांकि पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी, और आप कह सकते हो इस फोन का जो डिजाइन है वो रेडमी 9 पावर से इंस्पायर है। खैर कोई नहीं, लेकिन डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। ये फोन ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। 4G नेटवर्क के साथ आता है। रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, इसी के साथ फेस अनलॉक का भी फीचर देखने को मिल ही जाता है। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, उसी के साथ 10 वॉट का चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है, तो काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। इस प्राइस रेंज में बहुत ही कम ऐसे स्मार्टफोन है जिसमें हमें टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। और गाइज, इस फोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, इट मींस किसी भी तरह का ब्लॉटवेयर, एड्स या फालतू के एप्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। काफी क्लीन सा UI दिया गया है। इसी के साथ एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, 6.52 इंचेस का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स IPS पैनल के साथ आता है। अप टू 400 nits तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो डिस्प्ले काफी वाइब्रेंट देखने को मिलेगा। ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। प्राइमरी सेंसर 13 MP का दिया गया है, जो कि सैमसंग का सेंसर है। सेकंड कैमरा 2 MP का दिया गया है, जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए आता है। फ्रंट में 5 MP का कैमरा देखने को मिलेगा, और दोनों ही कैमरे से फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग बात हो जाती है गाइस। और साथ में ही दोनों कैमरे से बोके इफेक्ट इमेजेस भी क्लिक कर पाएंगे। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर काफी अच्छा देखने को मिलेगा। यूनिसॉक T610 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर डाला गया है, जिसकी अंतत स्कोर की बात करें तो 1,76,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। तो इस चिपसेट को हम कंपेयर कर सकते हैं MediaTek G70 या फिर MediaTek G80 से। प्राइस की बात करें तो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 7,999 रुपए पे करने होंगे। इसी में आपको दूसरा वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है, 6GB रैम और 64GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस है 8,999। तो देखा जाए तो इस फोन का प्राइस काफी किलर है, काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं, और ऑफ कोर्स माइक्रोमैक्स इंडियन ब्रांड है, तो आप कंसीडर कर सकते हो। और नंबर 4 पर हमने रखा है Realme C21। काफी इंटरेस्टिंग डिवाइस है, कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, तो चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। इस फोन में हमें ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, 13+2+2, वहीं पर फ्रंट में 5 MP का कैमरा दिया हुआ है। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में हमें 10 वॉट का चार्जर भी दिया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो अगेन इस फोन में भी MediaTek G35 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि डिसेंट सा प्रोसेसर है, ठीक ठाक प्रोसेसर है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वहीं पर ये फोन भी ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो 2 SIM और 1 मेमोरी कार्ड आसानी से लगा सकते हैं। इस फोन में हमें रियर साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल रहा है, तो काफी इंटरेस्टिंग से बात हो जाती है। वहीं पर यूनिक सा डिजाइन है इस फोन का, Android 10 के साथ आता है, उसी के साथ Realme UI देखने को मिल जाएगा। इस फोन में आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करें तो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसकी कीमत है 7,999। तो Realme C21 आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और गाइस, नंबर 5 पर हमने रखा है टेक्नो स्पार्क 7 को। अब इस फोन में भी काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिल जाता है, बड़ी सी बैटरी है, तो चलिए जानते हैं कि टेक्नो स्पार्क 7 में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फोन का डिजाइन थोड़ा सा यूनिक देखने को मिल
मिलेगा। हालांकि पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाती है, लेकिन डिजाइन वगैरह काफी अच्छा देखने को मिलेगा। इस फोन में भी ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी देखने को मिल जाती है और इसी को चार्ज करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स 10 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिल जाता है। प्राइमरी सेंसर 16 मेगापिक्सल का दिया गया है, इसी के साथ लो लाइट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और फ्रंट में ड्यूल LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है, मतलब नाइट में सेल्फी वगैरह काफी अच्छे से क्लिक कर पाएंगे। तो प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन में काफी अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर एवरेज सा देखने को मिलेगा। MediaTek A25 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि एक डिसेंट सा प्रोसेसर है। हालांकि डे टू डे लाइफ में कोई इशू देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप गेमिंग पर्पज से फोन खरीदना चाहते हैं under 8000 तो इस स्मार्टफोन को स्किप कर सकते हैं। बाकी के फीचर इसमें काफी अच्छे हैं, जैसे कि डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.52 इंचेस का HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। नॉर्मल 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ड ऑन गो एडिशन, मतलब इस फोन का भी UI काफी लाइट वेट देखने को मिलेगा। बाकी बायोमेट्रिक की बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है रियर साइड में, तो काफी सही बात हो जाती है। इसी के साथ फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि प्राइस कितनी है टेक्नो स्पार्क 7 की। तो 3GB रैम और 64GB स्टोरेज के लिए 8499 रुपए पे करने होंगे, तो 8500 के आसपास देखने को मिल जाएगा। लेकिन बैंक ऑफर वगैरह तो देखने को मिल ही जाता है, अगर आप सेल वगैरह में परचेज करोगे तो इस स्मार्टफोन को आप 8000 के नीचे ही परचेज कर पाओगे। सो यही थे कुछ स्मार्टफोन जिसे आप परचेज कर सकते हो। तो ये सारे स्मार्टफोन इस समय पर बेस्ट है, इनमें से आप किसी को भी पिक कर सकते हो अपने यूजर्स एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि किसी में बड़ी सी बैटरी है, तो किसी में अच्छा कैमरा है, तो किसी का डिजाइन अच्छा है, तो किसी में स्टोरेज अच्छा है। बाकी अगर मुझसे पूछते हो कि इन सातों में से कौन सा बेस्ट है, तो मैं माइक्रोमैक्स N2B को पिक करना चाहूंगा, क्योंकि इस फोन में प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। बाकी आप मुझे जरूर बताना कि आपको इन सभी में से बेस्ट कौन सा लगा और आप कौन सा परचेज करने की सोच रहे हो। और हां, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में।